Looking for a fancy place to stay in nature's lap? Then come to Tambu Resort in Vajreshwari, जो कि वसई विरार थाने इन सब जगहों से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है. लगभग 1.5 आवर के आसपास की ट्रैवलिंग करनी है और आप इस बहुत ही अट्रैक्टिव से रिसॉर्ट में पहुँच जाते हो जो कि मुंबई से बहुत ज़्यादा नज़दीक है. तो जानते हैं इस रिसॉर्ट के बारे में इन डिटेल. विद दिस आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल द डोर डायरीज, वेयर वी क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल. मैं हूँ नेहा और हाँ, इस जगह का नाइट व्यू मिस मत कीजिएगा. इट्स वर्थ वॉचिंग. प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए या फिर आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, आराम से इस वीडियो को देखिए. There is a very fresh and unique element in the vibe of this place. In total, there are 15 tents available for stay. It's a great choice to stay with your partner, family, groups, friends and colleagues. Andar se tents kafi zyada luxurious hai, bahut sari facilities available hai. There's AC, intercom, television, the beds are comfortable, toiletries bhi available hai. Minimum 2 log aur maximum 3 log ek tent ke andar reh sakte hai. So you get the tent vibe aur saath mein luxury ki bhi feel aapko aati hai. So jante hai is jagah ka tariff भी और देखते हैं अंदर से टेंट्स कैसे हैं. सो विथ क्यूट लुकिंग टेंट्स यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. जैसे अ स्विमिंग पूल और उसके पीछे लॉन एरिया है जहाँ पर आप अपने इवेंट्स एंड पार्टीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हो. यहाँ के मैनेजमेंट आपको गाइड एंड हेल्प करते हैं टू ऑर्गेनाइज इट. यहाँ पे डीजे नाइट भी होती है, दे ऑल्सो कॉल लाइव बैंड. सो अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू यू नो ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम और इवेंट, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. देर इज़ ऑल्सो इन हाउस रेस्टोरेंट हेयर एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ द इन हाउस रेस्टोरेंट. और मेरे पीछे आप जो ये व्यू देख रहे हैं, ये मॉर्निंग व्यू है यहाँ का, जहाँ पे माउंटेन पे पूरे फॉग नज़र आ रहे हैं हमें. और ऑन माय राइट देयर इज़ अ ग्रासलैंड जिसका व्यू भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. और यहाँ पे वो आपके लिए कैंडल लाइट डिनर का भी अरेंजमेंट करते हैं, जिसका एक्सपीरियंस हमने लास्ट नाइट ही किया. बहुत ही अच्छा समय बिताया मैंने मेरे पार्टनर के साथ. इट वॉज़ अ वेरी नाइस रोमांटिक डेट एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्लान अ प्ले एरिया इन फ्यूचर. और यहाँ पे बारबेक्यू एरिया भी है. सो द बेस्ट सीजन टू विजिट हियर इज़ रेनी सीजन एंड विंटर सीजन. समर्स में भी आप यहाँ पे आ सकते हो क्योंकि टेंट्स एसी वाले हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी. सो ऑल द 3 सीजन्स यू कैन विजिट एंड यू नो एन्जॉय दिस प्लेस. जहाँ पर भी आपकी नज़र पड़ेगी आपको आपकी आँखों को एकदम सूदिंग एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिलने वाला है.
सो स्टे के साथ जगह का मैनेजमेंट और फूड कैसा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है. सो यहाँ का मैनेजमेंट और स्टाफ काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, हर एक चीज़ वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और यहाँ का फूड यहाँ के शेफ़ जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और खाने के बाद वो पर्सनली आकर आपका रिव्यू भी जानना चाहते हैं कि फ़ूड कैसा लगा. अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो आप ज़रूर दे सकते हो. सो अपने गेस्ट को पर्सनलाइज्ड अटेंशन देना ये बहुत ही अच्छी बात होती है. कभी कभी हमें स्टे से एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें घर से कुछ हटके अनुभव करने को मिले, हमारी बहुत ज़्यादा केयर हो हॉलीडेज़ पर, और वही एक्सपीरियंस आप यहाँ पे करने वाले हो. सो यहाँ की ताज़ी हवा को महसूस कीजिए और साथ में विलेज लाइफ से जुड़िए. तंबू रिसोर्ट के आसपास काफ़ी सारी प्लेसेस है विज़िट करने के लिए, जैसे कि उसगांव डैम. यहाँ पे आप वज्रेश्वरी टेंपल भी विज़िट कर सकते हो. यू कैन आल्सो विज़िट हॉट वाटर स्प्रिंग इन गणेशपुरी. और अगर आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो आप वसई रोड या फिर विरार स्टेशन उतर सकते हो, वहाँ से आप ऑटो ले सकते हो. ऑटो के चार्जेस 600 के ऊपर हो सकते हैं, और या फिर आप ST बस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. और यहाँ पे आपको बस स्टॉप बोलना है उसगांव बंदारा, तो आप तंबू रिसोर्ट के आसपास पहुँच जाओगे. सो दिस आर द ऑप्शंस. और अगर प्राइवेट व्हीकल से आओगे तो दैट विल बी द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन. सो चलिए देखते हैं आसपास यहाँ पे घूमने के लिए कौन सी जगह हैं. सो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप दोबारा या बार बार विज़िट करना चाहोगे, और ये जगह हमारे लिए उनमें से एक है. सो उम्मीद करती हूँ आपको ये जगह और हमारा वीडियो दोनों पसंद आया होगा. और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक एवरी वन टेक केयर, बाय.